नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पालघर से साधु संतों की हत्या की एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तब इस मामले को लेकर देश भर में आक्रोश उमड़ पड़ा था और साधु संतों के लिए न्याय की मांग ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस केस में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। घटना के असल आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये सवाल बना हुआ है कि निहीर साधुओं की हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की गई? भीड़ को किसी ने उकसाया था? इस हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? पुलिस ने साधुओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जैसे सवाल जो है वो अब उठने लगे हैं, जिसका जवाब देश आज भी जानना चाहता है। लेकिन चूंकि मामला उसी पुलिस के हाथ में था, जो पुलिस इस हत्याकांड में सवालों के घेरे में थी, इसलिए लोगों और संतों का इस जांच पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में देश भर से उठी सीबीआई की जांच की मांग के बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसीलिए इस मामले में अब भी संत और लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं, क्योंकि इस मामले में अब स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। कमेटी ने इसके पीछे किसी की गहरी साजिश की आशंका जाहिर की है, साथ ही इस घटना के तार नक्सलियों से जुड़े होने की बात भी कही गई है। बता दें कि पिछले दिनों पालघर में 20 अप्रैल 2020 को 70 साल की कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी को भीड़ ने निर्मम तरीके से पीट पीट कर मार डाला था। साथ ही संतों के ड्राइवर नीलेश तेलगड़ी की भी इन वहशी दरिंदों ने हत्या कर दी थी। ये तीनों महंत श्रीराम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया और गरचिल्ले गांव में पद्रवियों ने उनकी गाड़ी को पलट दिया। इस घटना के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने पाया कि झारखंड में पत्थलगड़ी की तर्ज पर ही पालघर में भी आंदोलन चल रहा है। आदिवासियों को वामपंथी भड़का रहे हैं कि वो कानून, सरकार और संविधान का सम्मान न करें। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आदिवासियों को वामपंथी कार्यकर्ताओं की ओर से भड़काया जाता है कि उनके पास अपना संविधान हो जो 100 साल पुराना है और वो भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। बता दें, कमेटी ने सबूत के तौर पर कुछ वामपंथी नेताओं के बयान और वीडियो भी जारी किए हैं। साथ ही वामपंथी आदिवासियों को हिंदू के खिलाफ भड़काते हैं, जिसकी वजह से पालघर में साधुओं की हत्या। बता दें कि वामपंथियों का पूरा जोर इस बात पर है कि आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग होने का एहसास दिलाते हुए उन्हें हिंदू प्रथाओं का विरोध करने के लिए भड़काया जाए। वही कोशिश की जा रही है कि उन्हें संविधान व्यवस्था का विरोधी बनाकर नक्सल आंदोलन से जोड़ा जाए। बता दें कि 50 पेज की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह स्थानीय लोगों के दिमाग में साधुओं और सरकार के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। वही हाल ही में जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवेक्षानंद गिरी ने साधुओं की हत्या के मामले में ये मांग उठाई है। उनका कहना है कि पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस मामले में अभी तक न्याय नहीं हो सका है, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। साधुओं की मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की तरह मामले की भी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।